छोटा सा बना रखा है चिड़ियाघर, यहाँ पे फोटो वगैरह खींच सकते हो आप लोग भी। भाई देख सकते हो मंकी भी फ्लाई कर रहा है, बाकी इधर है स्पाइडरमैन, देख सकते हो भाई स्पाइडरमैन। रोज़ फेस्टिवल 2023 का तो ये सामने रहा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आपको सबसे भी दिखा देते हैं इस साइड में गाइस अपना वेलकम टू पंजाब है। और अभी लेटेस्ट नया नया लगे हैं, लगे हुए यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह। और सामने ना वेलकम टू पंजाब इस साइड पे, और इस साइड में अपना चंडी है सामने वाला एरिया। यहाँ पे मतलब पार्क सा बना रखा छोटा सा, काफ़ी अच्छा, और इसमें फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे इस साइड पर, देख सकते हो। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा बना रखा है, जैसे आप वेलकम टू पंजाब एंट्री करोगे यहाँ से, चंडीगढ़ पंजाब का बॉर्डर लगता है यहाँ से गाइस, जिससे एंट्री करोगे आपको ये फ्लावर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। गाइस अभी चल रहे उस साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू चंडीगढ़, तो अभी था इधर वेलकम टू पंजाब सामने बैक साइड पर देख सकते हो, और इस साइड पर वेलकम टू चंडीगढ़, तो आपको वहाँ पर भी दिखाते हैं। गाइस सामने आपको हमने दिखाया था उधर पंजाब, और इस साइड में चंडीगढ़, तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको ये चौक पर मिल जाएंगे फ्लावर वगैरह। तो अभी ये नया बना हुआ है, काफ़ी दिन में 10-15 दिन हो गए, तो बहुत अच्छा बना हुआ, आपको करीब से दिखा देते हैं फ्लावर वगैरह। तो गाइस दिखते हैं सामने, अभी ये फ्लावर वगैरह लगे, चौक भी बनी ने भी, तो इसमें आपको फ्लावर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे फ्लावर लगा रखे हैं, और भी इधर दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा बना रखा है यहाँ पर चौक पर, और इधर गाइस इधर ये गाइस ये 48 है सामने इस साइड पर, और 48 चौक पर इधर पड़ता है मोटर मार्केट, सामने मोटर मार्केट है, और मोटर मार्केट के सामने जस्ट ये सामने आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं रोज़ फेस्टिवल पे, तो अभी मैं खड़ा हूँ इधर 48 सेक्टर में, अपना चंडीगढ़ पंजाब का बॉर्डर लगता है गाइस, ये सामने इधर पंजाब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये इधर बैक साइड पे अपना स्टार्ट हो जाएगा चंडीगढ़ गाइस। तो अभी ये मोटर मार्केट पड़ता है गाइस, वहाँ पर हूँ मैं अभी, और आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पर इधर फ्लावर वगैरह काफ़ी अच्छे लगा रखा है, तो इधर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सामने दिखते एरोप्लेन इधर उठ के जा रहा हूँ गाइस, सामने दिख रहा, और इधर से पंजाब है, इधर एयरपोर्ट साइड स्टार्ट हो जाता है, और इस साइड पे अपना चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस यहाँ से आप इधर क्रॉस करोगे तो सामने आपको बैक साइड पे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू चंडीगढ़। तो आपको करीब से दिखा देते, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा ना पीछे बैकग्राउंड में। तो चलते गाइस फेस्टिवल पर, और मिलते हैं आपको आगे रोज़ फेस्टिवल। तो अभी मेरे साथ में मेरा दोस्त है निखिल, और निखिल कैसे हो? बस बढ़िया भाई, चल रहे हो फिर? चले फिर लो। चलो भाई, ये रही हमारी बाइक, इस बाइक से हम जा रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ रोज़ गार्डन, तो बैक साइड पे आप सामने देखते हो इधर है, तो हमने यहाँ पार्किंग कर दी, और मेरे साथ है मिस्टर निखिल, कैसे भाई? बस बढ़िया भाई, चलो जल्दी देखते हैं रोज़ गार्डन। हाँ जी भाई, निखिल तो भाई फर्स्ट टाइम आया, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ रोज़ फेस्टिवल पे, वैसे एक बार आ चुका हूँ तो बहुत अच्छा होता है। 3 डेज के लिए होता है, 17 से लेकर 19 फरवरी तक रहेगा गाइस। तो इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, बाकी कल का भी हम दिखाएँगे ब्लॉग, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो गाइस, और इधर गाइस पार्किंग का एरिया ये सामने, इतना गड्डी और बाइक वगैरह पार्किंग कर सकते हो, और इधर जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं गाइस करते हैं। तो यहाँ पे साइकिल की पार्किंग वगैरह इस साइड पे गाइस, और आगे इस साइड पे अगर आपको कुछ खाना वगैरह है तो यहाँ पे आपको खाने पीने का मिल जाएगा, बर्गर पेटिस वगैरह सामने। तो ये पार्किंग एरिया साइकिल का हो गया इस साइड पर, और यहाँ पर अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो इधर बर्गर वगैरह आपको उम्मीद पे मिल जाएगा। और ये रहा सामने, इधर इसके अंदर हमें जाना है, तो अभी एंट्री गेट पे चलते हैं, कोई नोटिस वगैरह यहाँ पढ़ लेना। और ये गाइस है रोज़ गार्डन, तो ये एंट्री गेट यहाँ पे भी सजा चल रहा है सजाने के लिए गाइस, इधर से तो एंट्री करते गाइस ये रहा, और ये जो भी बनाया जा रहा है, तो गाइस देख सकते हो ये दरवाजे लगाए जाएंगे एंट्री गेट के लिए जब कल एंट्री होगी।
तो काफ़ी अच्छा बना हुआ गाइस। तो हमने एंट्री भी कर ली है, कल जब आएंगे तो ये जो अपने इलेक्ट्रिक डोर वगैरह यहाँ से कुछ चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ पे 2023 कैसे रोज फेस्टिवल लिखा हुआ है, ये रहा सामने 2023। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा लिख रखा है फ्लावर से रोज फेस्टिवल। और चलते आगे, यहाँ से आपकी एंट्री जो मेन एंट्री है गाइस। और देख तो कितने अच्छे फ्लावर झंडे वगैरह लगा रखे इस साइड से। और ये टेंट वगैरह लगा रखे यहाँ पे, कल स्टॉल वगैरह लगेंगे, काफ़ी प्रोग्राम वगैरह होंगे, कल से स्टार्ट है इधर। हाँ बताओ कब तक ये रहेगा भैया? इतवार तक। इतवार तक रहेगा, तो कल भीड़ बहुत होगी ना। कल कौन आ रहा है यहाँ पे, कोई आ रहा आर्टिस्ट वगैरह? नहीं, संडे को आए। संडे को आएंगे आर्टिस्ट वगैरह, बाकी ऐसे शुक्रवार को शनिवार को पता नहीं क्या। चलो कोई बात नहीं, ओके थैंक यू भैया। तो भैया को भी नहीं पता, कह रहे संडे को कोई आर्टिस्ट वगैरह सिंगर वगैरह यहाँ पे आएंगे गाइस। तो अभी ये यहाँ पे जैसे आपकी मेन एंट्री हो जाएगी गाइस, तो सामने ये मेन एंट्री इसके क्रॉस करेंगे। और इधर भी कुछ फ्लावर बना रखा है, इधर रोज़ देख सकते हो गाइस कितना अच्छा बना रखा है। निखिल भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। जैसे आपकी गाइस एंट्री हो जाएगी तो आपके सामने ये फ्लावर वगैरह ऊपर भी लगा रखे हैं। 3 डेज़ के लिए रहेगा। तो आज वैसे हम आपको दिखाने आए थे क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, बाकी 17 तारीख को सब कुछ। इधर देखो पेंटिंग वगैरह लगा रखी है यहाँ पे रोज की। क्रॉस करोगे तो आपके सामने इधर फ्लावर की पेंटिंग दी जाएगी यहाँ पे। और फिर इसके बाद में तो गाइस अभी आज सारा खोल के नहीं रखा, बस अभी बंद है, कुछ कुछ दिखा रखा है। बाकी आपको देखो इधर ट्रैक्टर वगैरह कितनी पब्लिक आज आ रही है देखने के लिए। तो गाइस ये रहा ट्रैक्टर, इसमें सामान जा रहा है अभी। और ये डीजे वगैरह का सामान यहाँ पर सेट हो रहा है और ये पूरा सजाया जा रहा है। और इधर रात को काफ़ी अच्छा होएगा गाइस, क्योंकि देख लो कि नीचे जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं गाइस। ये रहा इधर पेंट लगा रखी है स्पिनिंग, और यहाँ पे भी फ्लावर वगैरह है गाइस। इसमें जाली लगा दी है, पहले जाली नहीं लगाई थी, तो इसमें हर तरीके के फ्लावर हैं आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ रोज़ फेस्टिवल है, सिर्फ रोज़ के ही फ्लावर मिलेंगे इस पार्क में, रोज़ गार्डन है। कंगारू तो गाइस देख सकते हो, अभी कंगारू को फ्लावर से सजा रहे हैं, गेंदा के फ्लावर से। और इधर सारे स्टॉल वगैरह लगा दिए। और ये है चंडीगढ़ का, तो गाइस सामने आप देख सकते हो चंडीगढ़ का सिंबल, तो इसमें भी फ्लावर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कल और भी मस्त हो जाएगा, सारा रेडी हो जाएगा। बाकी इधर देखो एनिमल्स वगैरह हैं, सामने से आपको दिखा देते हैं। तो गाइस इस साइड पे सारे एनिमल्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे। स्पाइडरमैन, और गाइस इधर वाओ, इधर भी पेंटिंग रखी हुई है यहाँ पे स्टैचू। और ये है भाई गाइस, और इस साइड पे कंगारू। और भाई कैसे हो? इधर कंगारू वगैरह सारे कर रखे हैं भाई। यहाँ की तैयारी देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से तैयारियाँ हो रही है। और ये पानी वाले फुहारे फाउंटेन, इस पानी वाले फुहारे चालू हो गए गाइस। तो देख सकते हो कितना अच्छा पानी, क्लीन साफ है, मस्त रहेगा भाई। जल्दी आइए यहाँ पे भाई, 3 दिन फेस्टिवल है अपना, तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रोज़ गार्डन के अंदर जानवर के ऊपर अलग अलग तरह के फूल लगाते हैं। तो गाइस निखिल भाई कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है, पहली बार मैं आया हूँ इस जगह पे देखने के लिए। ये क्या हाथी है भाई? तो गाइस देख सकते हो इधर हाथी की सजाई हो रही है, क्या अपना गेंदा के फ्लावर से ना, गेंदा के फूल से भाई सजा रहे हैं। ये कल स्टार्ट हो जाएगा ना भाई, आप लोग यहीं रहोगे ना? ओके, वैसे कहाँ से आए हो आप लोग? चंडीगढ़ से ही हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है देख सकते हो पूरे इधर पार्क में। और ये रोज़ फेस्टिवल पे ये जाली लगा रखी है, वैसे जाली होती नहीं है, हटा देते हैं, अंदर नहीं जा सकते गाइस, नहीं तो अंदर आपसे दिखाते फ्लावर। ये रोज़ फेस्टिवल पे लगाते, वैसे ये खुला होता है यहाँ पे सारा जो एरिया है, इसमें सारे रोज़ के फ्लावर है, हर एक वैरायटी के जो भी जितने भी रोज़ फ्लावर है सारे इसमें मिल जाएंगे आपको देखने को। जाली नहीं लगी हुई है, पता नहीं कहा यहाँ पे भी लगा दे, कुछ पता नहीं है। तो देख सकते हो इधर रोज़ के इतने से फ्लावर है यहाँ पे, सारे मे टू जेड यहाँ पे लगा रखे हैं। और यहाँ पे भी जाली नहीं लगी है, तो आपको फ्रिज दिखा देते। तो ये है भाई, वाइट वाले भी हैं इधर, ये सामने रहे वाइट वाले, और ये रहे सामने रेड वाले, ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले इधर रहे। तो गाइस ये देख सकते हो ये रे रेड बड़े वाले रोज़ यहाँ पे। तो ये पूरे में गाइस जितने भी आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, सब में रोज़ के फ्लावर लगा रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा भाई ये बना रखा है। एंड वो उस साइड पे सामने दिखना ना, वहाँ पे उस साइड पे भी सारे में रोज़ फ्लावर लगे हुए हैं, तो आपको हम दिखा रहे हैं और भी। तो देखो गाइस येल्लो वाले, येल्लो और पिंक मिक्स सारे रोज़ फ्लावर हम आपको दिखा रहे हैं गाइस, चल चल के जो भी अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और हम आपको यहाँ से क्या दिखा सकते हैं, वहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही हैं,
स्टेज शो है कल करेंगे, बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग कंपटीशन वगैरह कुछ कराएंगे, पार्टिसिपेट वगैरह। तो यहाँ पे भैया कुछ पेंटिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया यहाँ पे? अरे सतारा प्लाजा। तो भैया कितना टाइम लगेगा बन जाने में? ये रेडी है 10 मिनट में? तो भैया कह रहे हैं 10 मिनट में रेडी हो जाएगा सतारा प्लाजा। और भी कुछ आपने इधर बनाया हुआ है? इधर बनाया हुआ है। क्या बनाया उधर बस? अच्छा ये बना रहे हो। तो भैया ये हर जगह पे ऐसे जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पे सेम कलर येलो, येलो में सतारा प्लाजा बना हुआ गाइस। चलो ओके थैंक यू भैया। तो गाइस सर देखते हो ये वाइट वाले भी रोज आपको हमने दिखा दे, ये देखो गाइस। और आपको आगे हम दिखा देते हैं, ये देखो इधर रेड वाले रोज। हाँ जी भाई देखिए वैसे फ्लावर बहुत ज़्यादा। और कुछ बता दें? बस भाई बस लग रहा है। हाँ लग तो मस्त। चलो तो गाइस भाई को कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे इधर भी और भी फ्लावर है भाई, जिधर भी आप जाओगे जिधर भी साइड पे जाओगे रोज फ्लावर ही मिलेंगे, गुलाब के फूल, गुलाब के फूल। आज और भी हैं। ओहो क्या बात है, पूरी मतलब क्या कहने, मस्त है भाई। देखिए इधर पिंक वाले है ना ये, ये पिंक वाले रोज है गाइस, ये रेड वाले रोज, ये डार्क रेड है, ये हाँ डार्क रेड है। और ये देखो कितने बड़े भाई रेड, वाओ ये देखो गाइस कितने बड़े रेड वाले हैं ये गाइस। तो मैं भी पहली बार जब इधर आया था देखा था, वाओ कितने ज़्यादा मतलब रोज। हाँ लाइट पिंक है गाइस ये वाले। और ये वाले देखो गाइस ये भी येलो और रेड है, येलो रेड मिक्स है। ई टू जेड देखो गाइस, करीब से दिखा देते हैं आपको और कितने अच्छे से यहाँ पे फ्लावर। वाओ वेरी नाइस वंडरफुल ऑसम भाई, इधर फूल तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या कहते हैं रोज़ फेस्टिवल जब होता है हर साल में होता है गाइस, अपना फरवरी में होता है, 17 तारीख स्टार्ट होएगा, 19 तारीख तक होता है। और अभी मैं 16 तारीख आज है तो आपको हम एक दिन पहले बता रहे कि कल से स्टार्ट है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना और बताना हमारा वीडियो कैसा लगा। बाकी आपको और भी थोड़ा आगे जाके दिखा देते हैं कितना बड़ा बना हुआ है। इधर अपना सितारा इधर रास्ता जाने वाला बना है, ये नीचे आपको दिख रहा है सामने इधर, तो वहाँ पे भी चलेंगे। और ये सामने सतारा सेक्टर है गाइस, ये आपको ना 16 सतारा के सेंटर में, इधर जाओगे तो सतारा, इधर आओगे तो 16 सेक्टर है। मिक्स है ना पिंक वाइट, पिंक वाइट वाइट देखते हो, पिंक वाइट मिक्स है रोज ये पूरे इधर एंड तक दिखा देते। ये सामने रहा स्टेज, यहाँ पे कुछ अपना परफॉर्मेंस वगैरह करेंगे कल, तो आज की तैयारी चल रही है गाइस। सामने देख सकते हो इस साइड पे, और कल होएगा काफ़ी तगड़ा यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो बने रहिए ब्लॉग में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है, ये सामने रही तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इधर प्रैक्टिस हो रही है डांस की। ठीक है गाइस, और शाम को कह रहे आज है प्रोग्राम, वैसे यहाँ पे 3 दिन का है ये, बट आज से स्टार्ट है शाम को। फॉलो स्पॉट लाइट, ये फॉलो करेगी भाई, भाई अपन को फॉलो करेगी लाइट, ये वाली ये लाइट फॉलो करेगी गाइस। गाइस आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा सकते हैं, और इसमें कितने अच्छे फ्लावर लगे हुए गाइस, करिए भाई इनको थोड़ा सा आने वाले, सही है यार अच्छे लग रहे ना। तो गाइस ये फ्लावर है काफी अच्छे हैं यहाँ पे। तो गाइस हमने आपको ये वाला पूरा पार्ट एक साइड का पूरा दिखा दिया है, और आपको एक दूसरा पार्ट दिखा देते हैं क्योंकि ये सामने जाना है, इधर भी है एक फाउंटेन है सामने, ये कल चलेगा गाइस, अभी तो बंद पड़ा हुआ है, फिर कल तो मेन है ना, कल से मेन है 3 दिन के लिए, बहुत अच्छी से तैयारियाँ चल रही है इस। ये रहा सामने भाई, चलेगा ये भाई लाइट बाकी है। अच्छा तो गाइस सभी कह रहे भैया लाइट चली गई है, तो गाइस ये देख सकते हो कितना साफ है, कितना सही कर दिया है इसको। हाँ जी भाई फाउंटेन देखना चाहते हो आप? चलेगा भैया लाइट नहीं है गाइस, लाइट नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही देख लो, कल देख लेना, कल चल जाएगा, कल आएंगे फिर बनाएंगे इसका वीडियो, तो वो कल आप देख लेना। तो ये सामने ब्रिज, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, ये सामने वाली साइड पे आधा निकल भाई। तो गाइस अभी हम आ गए हैं दूसरी साइड पे, जा रहे हैं ब्रिज क्रॉस करके, आपको दिख रहा है सामने ये वाला ब्रिज, यहाँ से क्रॉस करोगे। चलो गाइस चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है भैया, बहुत अच्छा है। तो एंट्री गाइस हमने यहाँ से कर ली है, तो अभी सब देखो इधर तैयारियाँ कर रहे हैं कल के लिए, क्योंकि अभी चेयर टेबल सारे सेट कर रहे हैं इस साइड पे। चैनल ये मिस्टर अनिल वर्मा ऑफिशियल, कितने बजे ये आज डाल देंगे रात में भी। ओके भाई, बट ये दूसरा पार्ट है इधर का आने के लिए, तो ये देखो गाइस इधर भी। और इधर का पार्ट कैसा लगा आपको देख के?
ये भी अच्छा ही है, ये भी अच्छा है। हाँ। तो इधर भी देखो सेम वैसे ही फ्लावर लगे हुए ना, इधर भी यार घूम जन्नत यार। अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में आप इधर घूमने के लिए आ सकते हो, बहुत अच्छा है। तो गाइस हमने ये दूसरा पार्ट भी आपको ये दिखा दिया लगभग सारा, ये देखो सामने ये सब दूर तक सामने। तो गाइस यहाँ से चलते हैं अब दूसरे वाले पार्ट में, तो सतारा जाने के लिए। तो चलते गाइस आपको दिखाते कैसा है नीचे का रोड रास्ता। निखिल आ जा भाई, सतारा सेक्टर यहाँ से एंट्री और ये रहा ब्रिज। तो यहाँ से चलते गाइस, और आप भी जाओगे आपको तो ये पेंटिंग वगैरह आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो इस साइड में स्टार्टिंग है पेंटिंग की गाइस। तो गाइस देख सकते हो सामने ये रही पेंटिंग, तो इसे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग यहाँ पे सब लगा रखी है। ये देखो गाइस ये जो रास्ता है इधर को जाएगा, ये सतारा की तरफ जाता है गाइस। वैसे जब कल लगे तो कल तो सारी लग जाएंगी यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये भी है। तो गाइस इधर एंट्री करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा फोटोग्राफी जर्नी भी। और ये हमने आपको सारा ब्रिज इधर से निकल के आगे बाहर, तो ये सामने सतारा सेक्टर यहाँ से स्टार्ट है गाइस। तो गाइस ये ब्रिज के नीचे आपको ये मिरर दिख जाएगा, तो यहाँ पे अपनी शक्ल देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हो। सच में यार मैं कितना छोटा लग रहा हूँ, हाइट से कुछ नहीं होने वाला तब भी ना गाइस। गाइस ये तो हाइट में मेरे से भी बड़ा है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई आम की पत्ती का बना रखा है इसका गेट अपना, यहाँ पे शॉप है उम्मीद। तो यहाँ से कुछ खाने का लेने जा रहे हैं, देखो बर्गर खाने का दिल है। बर्गर खाएगा भाई यार, तो भाई बर्गर लेने जा रहे हैं। बर्गर देना दो पीस वाले, बस फिर ले आओगे तो आपके सामने टीम मिलेगी। तो यहाँ से आपको खाने के लिए बर्गर पेटीज वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएंगी, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह इस साइड में पीछे। चलो आ जाए किधर अपने बर्गर। तो गाइस हम स्टिंग ले ली है और एक ये दो बर्गर ले लिए हैं, ये 20 रुपए की मिली स्टिंग और 30 रुपए का बर्गर एक है। चलो आ जाओ भाई खाते हैं, ये रिशॉप से यहाँ से ले लिया तो स्टिंग पीते गाइस।